हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स। तो हमें क्या करना है कि ईच इन दोनों केसेस में क्या करना है कि हमें लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। लीस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन सभी नंबर्स से, मतलब 6 से, 9 से, 15 से और 20 से। चलिए ईच केस में फाइंड करते हैं। तो पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हमें ऐसा नंबर बताना है, ऐसा छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो स्क्वायर नंबर हो और इन सभी से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स। तो इन सभी से एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला नंबर पहले फाइंड करिए, उसके बाद उसको स्क्वायर बना दीजिए। ठीक है, मतलब क्या करना है कि पहले हमें क्या करना होगा कि इन सभी नंबर्स से एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला नंबर फाइंड करना पड़ेगा। और वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें एलसीएम निकालना होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इन चारों का। यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो वह नंबर निकल जाएगा, एलसीएम वह नंबर होता है जो इन सभी नंबर्स से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, हमने ये फाइंड कर लिया। उसके बाद देखेंगे कि जो एलसीएम आया है वह परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो हो सकता है कि वह परफेक्ट स्क्वायर हो, यदि होगा तो दैट विल बी योर आंसर, क्योंकि वो लिस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो कभी कभी, या फिर जरूरी हो सकता है कि बिल्कुल ना हो। तो यदि नहीं होगा तो हमें उसको बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसके जो फैक्टर्स होंगे, वो जो एलसीएम आया है उस एलसीएम के फैक्टर्स जो होंगे उनके पेयर बन रहे कि नहीं। यदि नहीं बन रहा होगा तो जिसका नहीं बन रहा होगा बस उसी का पेयर बना करके सबसे लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके हम बना लेंगे लिस्ट स्क्वायर नंबर। मीन्स मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर कैसे करूंगा। तो फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ किसका, 6, 9, 15 एंड 20। क्या करना पड़ेगा हमें, हमें वो फैक्टराइजेशन प्रिंसिपल का यूज करना होगा। तो हम लिख लेते हैं यहां पर ऐसे करके, उसके बाद यहाँ पर जो है नंबर लिख लेते हैं 6, 9, 15, 20। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे सब में, 2 से करते हैं तो 2, 3 जै 6, 9 तो जाएगा नहीं, 15 में भी नहीं जा पाएगा, तो 2, 1 जै 10 यहाँ से हो गया। फिर 2 से चला जाएगा तो 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा और 10 में चला जाएगा, 2, 5 जै 10। अब ले जाएंगे 3 से, तो 3 से ले जाएंगे तो मिलेगा 3, 1 जै 3, 3, 3 जै 9, 3, 5 जै 15 और 5 नहीं जा पाएगा। अब 3 से एक बार और चला जाएगा, मतलब कि 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 5 और 5, इसका मतलब कि अब लास्ट में 5 से जाएगा बस, तो 1, 1, 1, 1, मतलब अब ये आ गया एलसीएम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो सो यहाँ पे लिख लेंगे हम एलसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा, 2 × 4, 4 × 12 एंड 12 × 5 = 15, 15 × 12 = क्या होगा, 12 × 5 = 60 होता है, तो 0 हो जाएगा, 6 कैरी ओवर, 12 × 12 एंड 6 = 18, 180 आएगा। तो 180 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एलसीएम है। यहाँ पर देखिए पेयर बन रहा है केवल 2 का, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो 180 क्या है, एलसीएम है, मतलब कि इन सभी नंबर्स से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें वो तो नंबर मिल गया कि एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला नंबर मिल गया, लेकिन हमें ये स्क्वायर नंबर नहीं मिला है। तो हमें क्या करना होगा कि बस 5 का पेयर बनाना होगा, दैट्स इट। यदि 5 का पेयर बना दें तो जो नंबर मिलेगी वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगी और वही लिस्ट पर स्क्वायर नंबर होगी। मतलब यहाँ पर बस इंटू 5 करना है और इसमें भी इंटू 5 करना है। तो यहां पर पहले लिख लेंगे कि हियर 5 हैज नो पेयर, सो वी मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5, सो दैट वी गेट list we get the list we get
वी गेट द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। सो क्या होगा हमारा, तो नंबर हो जाएगा 180 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, मीन्स 5 जो 5 5 8 जा 40, 40 का 0 हो गया 4 5 5 9 900, मीन्स 900 इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 9 15 एंड 20। दिस इज योर आंसर, करेक्ट। मतलब करना क्या है, एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल देखिए कि क्या इसके पेयर बन रहे कि नहीं बन रहे, यदि नहीं बन रहे तो उसको पेयर बना दीजिए और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब। तो 5 का पेयर नहीं बन रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो जो नंबर मिलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर, दैट विल बी द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इच वन ऑफ दीज नंबर 6 9 15 एंड 20। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली हमें ऐसे ही करना है, तो हम पहले इसको मिटा लेते हैं। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे नहीं, आपको बस दिखा देंगे कैसे करेंगे, ठीक है, कितना आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करना क्या है, पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के लिए हमें ऐसे खींचना होगा, फिर यहाँ पर 8 12 15 एंड 20, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो पहले 2 से करते हैं, 2 4 8 2 6 12, 15 नहीं कट पाएगा और ये 2 1 2, फिर चला जाएगा 2 से, 2 2 4 2 3 6, 15 नहीं जा पाएगा और ये हो जाएगा 2 5 10, ठीक है, ये 5 है। ओके, अब यहाँ पर 2 से जाएगा एक बार और, 2 1 2 3 15 एंड 5, अब यहाँ पर 3 से चला जाएगा एक बार, तो 3 1 3 1 15 एंड 5, अब 5 चला जाएगा यहाँ, नहीं 3 से, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर तो 3 5 15 यहाँ चला जाता ना, 15 5 आ जाता, सॉरी, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर जो है ये नंबर 5 हो जाएगी, 3 5 15 हो गया, अब यहाँ से केवल 5 से जाएगा, तो 1 1 1 एंड 1, मतलब कि हमारा जो एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया, वो आ गया 2 into 2 into 2 into 3 into 5। अब यहाँ पर देखिए पेयर किसका बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है और 2 का 3 का 5 का नहीं बन पा रहा, एक्चुअली ये नंबर क्या बना है ध्यान से देखिएगा, 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 25 24 5 जा 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4 जा 20 का 0, 5 4 5 2 जा 10 एंड 2 12, मीन्स 120 क्या है, एलसीएम है 8 12 15 और 20 का, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और वो भी लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसका मतलब कि देखिए इसमें पेयर किसका नहीं बन रहा, जिसका पेयर नहीं बन रहा बस उसका पेयर बना दीजिए और पेयर बनाने के लिए जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वही मिलेगा हमें लिस्ट स्क्वायर नंबर। तो सो यहाँ कर देंगे, सो लिख देंगे यहाँ सिंपल में कि लिस्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 120 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए 2 से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा और 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि इनका पेयर नहीं बन पा रहा, मतलब नहीं बना है यहाँ पर, तो 2 into 3 into 5, अब मल्टीप्लाई करेंगे 120 में तो पेयर बन जाएगा अब यहाँ पे, और अब जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट लिस्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो 2 3 6 एंड 6 5 जा 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 36, 12 36 हो जाता है और 00 हो जाएगा, मीन्स 3600 हो जाएगा। तो दिस नंबर, ये जो नंबर आया 3600, दिस नंबर इज द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 12 15 एंड 20, ठीक है। तो दैट इज द वे यू विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यदि आपको अच्छा लगा सोल्यूशन तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, यदि डाउट नहीं भी है तभी आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।